वी आर गोइंग फ्रॉम लाहौर टू कराची ऑन दिस कार। इस प्लान का पहला स्टेप है कि भाई गाड़ी की सीट रिमूव करवाई जाए, उसको सीट पोशिश के लिए दिया जाए। सो लेट्स गेट इनटू द कार। हेलो भाइयों, एसी ऑन, शीशा ऊपर। इस टाइम मैं टांगों से गाड़ी चला रहा हूँ। लाइक लुक एट दिस। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बंदा जब इन शॉप्स में आ जाता है ना, तो भाई ये है खर्चे की जगह। रिकमेंडेशन नंबर वन ये है कि या तो इस तरह की जो है वो करवा ली जाए, लेकिन ओरिजिनल की तरफ रखने का ज्यादा इरादा है। ये भी सीट उतार रहे हैं। गाड़ी की सीट्स हम लोगों ने निकाली थी जब लास्ट टाइम हमने इसको पूल बनाया था और पोशिश के लिए दे के आए थे। तो भाई पोशिश वाले की कॉल आ रही है कि भाई गाड़ी कब लेके आ रहे हो, तो अभी टाइम है इसको लेकर जाने का। चौकस इसका फ्रेम ढूंढ के उसका नंबर प्लेट लगवाएंगे। दिस इज द ओवरऑल रिव्यू। लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि भाई आपकी गाड़ी बड़ी माशाल्लाह साफ सुथरी है, तो उसका प्रॉपर डिटेल रिव्यू करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल डू दैट। एंड बाय द वे वी हैव अ गुड प्लान, आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर ऑन दिस कार। तो पहले तो इसको लेके निकलते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ कोल्ड स्टार्ट। इतनी गर्मी में कोल्ड स्टार्ट तो नहीं होता, लेकिन ओके वन मोर टाइम, काफी दिन बाद छेड़ा हूं इसको। हियर वी गो। ये बैंक दौलत पाकिस्तान रखने की बेहतरीन जगह। लेट्स क्लोज दिस। YouTube पे तकरीबन 80% लोग हैं जो मोबाइल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन तकरीबन 400 के करीब लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया हुआ है। तो जल्दी से वो प्रेस कर दो, हम पहुंचते सीटें चेंज करवाने। Very well done. Let's keep rolling. राइड है भाई लंबी थोड़ी सी, तो वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एक ट्रांजिशन ऐड करके दुकान पे पहुंचते हैं। सो दिस इज हियर वी आर विद द कार। ये अंदर मैटिंग के ऊपर बिछाने को कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर इसको जेन्युइन रखा जाए ना इस तरह की कारपेट के साथ, दिस विल लुक गुड यार। ये कोई इतनी फैसिनेटिंग लग नहीं रही है चीज, आई डोंट नो। इसकी सीटें अभी लेने जानी है, अभी ड्राइवर सीट खोलेगा तो फिर देखते हैं। रोड क्रॉसिंग के टाइम पर जिम्मेदारी अपनी अपनी है भाई। अब ये भाई रिक्शे वाले आ रहे हैं, इन्होंने कोई नहीं रुकना। खुलती खुलती मेरे हाथ से खुलेगी। ये सेंटर लॉकिंग है मेरे हाथ की। गड्डी जड़ी है ना वो जेनुइन है, तो किसी को यकीन नहीं आता, तो हर शायद डबल ट्रिपल आ रही कंफर्म कर देने कि ऐसे जेनुइन है। लाइक इंजन भी पेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सो लेट्स मूव अराउंड। जूते गायब हो चुके हैं भाई मेरे। जूते इसलिए गायब है भाई, पॉलिश हो रहे हैं। गाड़ी की सीट पोशिश जो है वो कम्प्लीट हो गई और सीट भी जो है वो गाड़ी पे इंस्टॉल हो गई है। अब बारी है स्टेयरिंग कवर की, तो अब वो लगाएंगे, टेस्ट कर लें पहले। वो चीज़ जो लगी हुई है लगी रहेगी और इसके ऊपर सिलाई होगी। हाँ गोला जो कह रहे थे दिखाएं जरा, कलर मैचिंग दिखाएं क्या है। अब सीटों को जो कलर हुआ हुआ है ये पर वो लगा दें, कौन सा ब्लैक वाले। सी यू लेटर थोड़ी देर में। इस गाड़ी का लगता है इंजन का काम हो रहा है। थोड़ी देर में ये स्टीयरिंग का काम करेंगे, उतनी देर में मैं आपको छोटा सा मार्केट का टूर करवा देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ, इस मार्केट पे अगर आपने आना है तो आपका कोई ना कोई जानने वाला जरूर होना चाहिए, नहीं तो जो कायदे तो आपकी जेब में वो थोड़ी देर में आपके पास नहीं रहेंगे। कौन कहता है सुजुकी को गाड़ी बनानी नहीं आती। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार मैन, ऑल्दो ये इंपोर्टेड है बट ये जी यहाँ पे हर छोटी चीज से लेके गाड़ी के साइलेंसर की पट्टियाँ, स्कर्टिंग, एयर प्रेस, बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने बच के रहना है। अल्टो को V8 बनाने की कोशिश की जा रही है। शुरू से माना पेट्रोल पंप है जिसके साथ ये मिंट गुमली रोड शुरू हो जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हो हर चीज जो है वो आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे गाड़ियों के कवर टंगे हुए पीछे शॉप के ऊपर, हर तरह का सामान आपको गाड़ी का मिलेगा। गाड़ी की लाइटें चेंज करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक्वा के अंदर आई थिंक सीट रिमूव की हुई है, आई थिंक ये सीट इंस्टॉल कर रहे हैं, रैगजीन हो गई है। ये भाई आजकल के दौर में खूब पैसा बना रहे हैं। नंबर प्लेट का कवर लेना है। ये जो प्लेट है इसका कवर कितने का आ जाता है? ये ब्लैक वाला ओरिजिनल डालनी है। दलनी ओरिजिनल है, दलनी ओरिजिनल है जो गवर्नमेंट से मिलता है। ओरिजिनल प्लेट बड़ी है, हाँ वो एक इंच बड़ी है। कैरी डब्बे के स्टीयरिंग कवर्स जो स्कूल वैन को लगे होते हैं अमूमन, आर्म रेस्ट और ये खास रेस्ट, करोला की स्कर्टिंग, सिविक के स्पॉयलर्स, क्या कुछ नहीं यहाँ पे मिल रहा। खैर आप सब लोगों का ये सवाल तो होगा कि भाई मैंने कहाँ से काम करवाया, तो ये अल सफीना होटल के साथ आप लोग जब जाएंगे ना, दिस इज पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल, 5 मिनट गुमरी रोड, ये इनके सामने शॉप है। लेट मी शो यू। तो ये दुबई ऑटोज जो है ना, ऑटो स्पोर्ट्स, यहाँ पे आपने आ जाना है। और अगर मेरा ब्लॉग देख के आ रहे हैं तो इनको बता जरूर दें कि भाई मेरा ब्लॉग देखने के बाद आप इनके पास आए हैं। हेलो, दिस इज इट एंड थिंग्स आर लुकिंग गुड।
अभी इसकी सफाई जो है ना वो असल मेन चीज है। स्टीयरिंग भी बेहतर हो गया, मेरे हाथ के मुताबिक हो गया। सीटों का यार बहुत मजा आया इनसे काम करवा के, इतनी सॉफ्ट अंदर फोम है और ये फुल वाइब है भाई इसकी। ये भी सेट हो गया है इसकी, ये ओपन ही होता है भाई, बाद में ना कहना भाई ये सिलाई रहेगी, ये ओपन ही होता है यहाँ से। सो दिस इज लाइक एन ओवरऑल कंडीशन ऑफ द कार। ब्लॉग में अगर इस जगह तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलना, बिकॉज उसमें हम लोग जा रहे हैं इस गाड़ी पर कराची। यस, वी आर गोइंग फ्रॉम लाहौर टू कराची ऑन दिस कार। इसमें पैकिंग भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ऑल द वे कराची तक जो है वो हम पहुंचेंगे। और इस गाड़ी को हमने पूल बनाया था, अ मूविंग पूल इनसाइड दिस कार। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यार ये वीडियो है, उसको भी देख लो। और मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज वी आर गोइंग टू कराची ऑन दिस कार। तो मिलते हैं आप लोगों को कराची में।